पूरा फर्श खोद दिया। कैसा था सांप? हाँ अच्छा हाँ जाने लगा तो मैंने सोचा कि निकल जाएगा तो निकला नहीं तो यहाँ से तो हुआ क्या फिर दरवाजा भी लगा तो जितना मुड़ी अंदर कर ली तो मेरा वाइपर भी नहीं गया अंदर वो फिर वहाँ से गया फ्रिज के वहाँ तो फ्रिज के यहाँ से फिर वो अंदर घुस गया। इसके अंदर घुस गया? हाँ इसके अंदर घुस गया। इतना खोद दिया मैंने, पूरा प्लेन था ये, दो गड्ढे थे, उन दोनों गड्ढों के आसपास खोद दिया। मुझे तो तिरछा मारो, सीधा नहीं मारो। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से इस छोटे से बेबी कोबरा स्नेक को हमने रेस्क्यू किया। और आज हम रेस्क्यू के लिए आए थे विद्यानगर चौथ माता मंदिर के पास में, और शुक्ला जी हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था और किस तरह से सांप को रेस्क्यू किया गया। अभी वापस हम इसको प्रकृति मुक्त करेंगे, तो बने रहिए इसी तरह से वीडियो में, और आपको पास से दिखाने की एक बार हम कोशिश करते हैं सांप को। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है इंडियन कोबरा स्नेक, और इसमें न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन वेनम होता है, काफ़ी विषैला सांप। और सांप छोटे जो होते हैं उन्हें पकड़ना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम हाथ की तरफ आते हैं। तो वीडियो देखकर इस तरह से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको प्रकृति मुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सांप को अभी हमने विद्यानगर क्षेत्र से रेस्क्यू किया था, और वापस अब हम इसको मुक्त करने आ गए हैं प्रकृति में। तो चलिए देरी नहीं करते और जल्द से जल्द मुक्त करते हैं, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है। Yeah.